प्यारे दोस्तों, मैं शिवानी शर्मा आप सबका अपने चैनल शिवानी व्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो आज है संडे। संडे को हमने क्या करना है? कुछ खास नहीं करना। संडे भी वैसे ही दिन होता है जैसे रोज का दिन होता है। तो बस ये फायदा होता है संडे का कि जल्दी नहीं उठना होता, 6 बजे नहीं उठना होता, आराम से उठना होता है क्योंकि बच्चों की छुट्टी होती है। तो चलो शुरुआत करते हैं आज का दिन। और दिन आधा वही कल की तरह हो चुका है, 1 बज चुके हैं। सुबह की दिनचर्या खत्म हो चुकी है, नहाना धोना नाश्ता माता रानी की जोत कपड़े ये सब डन हो चुका है। और बाकी क्या करना है अब वो आपको हम दिखाते रहेंगे क्या करना है, और बच्चों को भी दिखाऊंगी। आज बच्चों की छुट्टी है, बच्चे भी नहाना धोना कर रहे हैं अभी। तो धीरे धीरे सबसे मिलवाती हूँ आपको अभी। शिवानी ब्लॉग की वीडियो में बने रहिए। कल मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, जैसे आपको मैंने बताया था, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा था और वैसे भी ओवरऑल भी मैं थोड़ा मेंटली भी बहुत लो फील कर रही थी। तो कल मैंने मम्मी से फ़ोन पे बात करी और मैं बहुत ज़्यादा रोना शुरू हो गई। तो रोना शुरू हुई तो वो बेचारे थोड़ा सा हो गया उनको कि क्या हो गया, क्यों रो रही है। तो फिर वो लोग इसलिए कल आए थे मुझसे मिलने के लिए कि देखो बच्चे, देखो मम्मी पापा का, बच्चे चाहे छोटे हों या बड़े हों, अगर उनका रोना या किसी उनको लग रहा है किसी तकलीफ में है तो वो झट से उनके पास पहुंच जाते हैं। तो बस उनके आने से मैं इतना ज़्यादा रिलैक्स हो गई, थोड़ा इमोशनली जो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी वो भी मेरा लेवल ठीक हो गया, मेरा सिर दर्द भी ठीक हो गया। तो बहुत अच्छा लगा कल मम्मी पापा और सोनम चविहान सब मेरे से मिलने आए, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और आज चेहरे पे जो स्माइल आपको दिख रही है उससे पता लग रहा होगा कि कल का जो दर्द था, जो लो चल रहा था, वो सब कुछ ठीक हो गया है। किंचुक ने गीजर ऑन करा है, वो गीजर के लिए नहाने जाने लगा है। और कपिश ये रहा, किंचुक हेलो कर दो सबको, क्या करने जा रहे हो? नहाने, बाल कटवाने चला जा अगर कटवाने हैं तो, नहीं कटवाने। हेलो कपिश, सबको हेलो कर दो। तो हैप्पी संडे। कल छवि है आन के साथ बहुत मजा आ गया। और ये रहे हमारे, और ये रहे नितिन जी। तो आप भी हेलो कर दो सारी यूट्यूब फैमिली को। कपिश ऐसी ब्रेड खाता है, ये बटर वाली ब्रेड है और साथ में कहता चाय, इसको ये बहुत अच्छी लगती है तो इसको मैं ये दे रही हूँ, बटर ब्रेड एंड चाय। देखो कितनी है जी, आज बहुत तेज़ धूप है, कपड़े यहाँ पर हैं, आज थोड़े से थे बस इनकी यूनिफॉर्म ही थी, धूप बहुत ज़्यादा है। तो गाइस खाना वाना हमने खा लिया और ये रही बच्चा पार्टी, अभी कर रही है आराम आराम से, लंच हो चुका है हमारा। टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो चुका है 3:30। 3:36। तो चलो वहां से कपड़े भी उतार के लेकर आते हैं। तो गाइस दिन के जितने काम थे वो तो कंप्लीट हो चुके हैं, 3:30 बज चुके हैं। धूप मैंने दिखा दी, इतना धूप अब निकल रही है ना, इतनी धूप निकल रही है, गर्मी आने वाली है। आज तो स्वेटर वगैरह कुछ भी नहीं पहनी है, ना शर्ट वगैरह कुछ पहना गया मुझसे, इतनी तेज धूप है ना। बस ये गर्मी का मौसम मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, ठंड अच्छी लगती है, ठंड में अच्छा लगता है, गर्मी से पसीना 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 और कुछ नहीं है, बहुत ही गंदी है गर्मियां। और सोचो अब गर्मियां फरवरी से शुरू होंगी तो नवंबर तक रहेंगी, इतना लंबा टाइम गर्मियों का होता है और सर्दियों का मात्र 1 महीना भी मुश्किल से। बस अब यही लग रहा है कि भाई अब इतनी तेज धूप है कि धूप सेकी भी नहीं जाती, अब तो इतनी धूप है। अब बस कपड़े तय रखे अभी अंदर, बाहर से अंदर ला के अब तय वाय लगाते हैं। तो करते हैं संडे को फंडे, क्या ही फंडे बनाना, नॉर्मल डे ही है हमारा जैसे रोज होता है। तो चलो ठीक है करते हैं, आप भी करिए अपने काम, हम भी कर रहे हैं अपने काम। शाम के तो गाइज अब शाम के बज गए 6:30 और सोचा था कि सोऊंगी, बस टीवी देखती रही देखती रही, और जब 6:15 तो नींद आनी शुरू हो गई। फिर मैंने सोचा अब तो कोई टाइम नहीं है सोने का, बस फिर बैठ गई उठ के कि कोई फ़ायदा नहीं अब सोने का, जब सोने का टाइम था तो टीवी देखती रही। तो अब बाकी का काम देखते हैं, अभी मेरे को ज़रा नीचे जाना है, कपिश किंचू की पैंट्स को सिलवाने के लिए देने जाना है, स्कूल पैंट्स ना उनको ठीक करवाने को देने जाना है। तो अब मैं जाती हूँ तो 5-10 मिनट में नीचे उनकी ठीक करवा के लाती हूँ पैंट्स। स्कूल की ये थोड़ी सी फट रही थी, उधर उधड़ी हुई है, तो मैं इनको नीचे जाके टेलर को सिलवाने को देकर आती हूँ, अभी हैंड टू हैंड दे देगा करके। तो जी पैंट वैंट ठीक करवा के मैं ले आई थी, उनकी जो दाल रख दी है यहाँ पर,
दाल का तड़का लग रहा है, मैंने इसमें टमाटर अदरक और वो टमाटर सिंपल दाल, पीली दाल बना रहे हैं, जो पीली दाल होती है वो बन रही है। दाल के साथ चावल बन जाएंगे और मम्मी कह रही मैंने मेथी आलू बनाए हैं तो मेथी आलू साथ में हो जाएंगे। और कल की भी मेरी सब्जी पड़ी है, मैंने बनाई थी, ये पत्ता गोभी मटर गोभी है, तो ये सब का मिश्रण हम सब खा लेंगे मिलके। तो बस तैयारी करते हैं डिनर की और फिर ब्लॉग एंड करेंगे, आराम से बैठ के ब्लॉग एंड करेंगे। अभी पहले मैं जरा किचन में दाल बनवा लूंगी। तो गाइस यहाँ पे बच्चों का काम चल रहा है और मेरा काम भी चल ही रहा है किचन में। क्या कहते तेरे दोस्त? गाइस मेरे स्कूल में दोस्त में कहते हैं कि तेरी मम्मी दिखाती है कि तू पढ़ता है पर तू पढ़ता तो है नहीं। मैंने तो गाइस भाई ये तो देख लो सच्ची में काम हो रहा है अभी की है वो अलग है। ये सेटअप हम इतना तैयार नहीं करते भाई, हम अपनी व्लॉगिंग में इतना सेटअप तैयार नहीं करते हैं, हम अपनी व्लॉगिंग रियल करते हैं। अगर ये पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, अगर वो लेटा हुआ है तो वो लेटा हुआ है, अगर मेरे हाथ में चश्मा है तो है। स्क्रिप्टेड कुछ नहीं, ये स्क्रिप्ट थोड़ी होता है। अगर हम चश्मा पकड़ा हुआ, मैंने पकड़ा हुआ है, स्क्रिप्टेड हो सकते हैं भाई। अगर हम कुछ हाँ जो हम जो गेम्स खेलते हैं वो स्क्रिप्टेड होती है, ये थोड़ी है। अब चैलेंजेस मतलब चैलेंजेस होते हैं, अगर बच्चा लेटा हुआ है तो वो लेटा हुआ, अभी इसमें झूठ थोड़ी है। आज किंचुक ने फुटबॉल में 6 गोल मारे, 6 गोल ठीक है, यहाँ का रिकॉर्ड बनाया इसने। ये नहीं छोटा मोटा मैच हम ऐसे खेलते हैं, पूरे 12-12 जन की टीम होती है, पूरी ट्रॉफी होती है, फुल होती है, 6 गोल का मैच था, किंचुक ने 6 गोल मारे और मैं हार गया, किंचुक जीत। तो चलो इसी अच्छी बात पे करते हैं आज का ब्लॉग एंड, गोल के चक्कर में आज का ब्लॉग हम करते हैं एंड। मिलते हैं आपसे कल, कल इनके अभी इनकी डिस्कशन हो रही है, तो मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, सो गुड नाइट। दाल बन गई है, चावल भिगोने जा रहे हैं, दाल चावल खाएंगे और मजे से खाएंगे, इनको टच होके सो जाएंगे। चलो ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे कल, बाय बाय।